हेलो गाइस, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं हैकटेक चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी एक्स का एक गेम प्ले, एक पबजी गेम प्ले हम करने वाले हैं। हाँ गाइस, मैं ये गेम 15 मिनट्स तक खेलने वाला हूँ। देखते हैं मोबाइल कितना हीट होता है, क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस और क्या इसके अंदर पबजी लैग होता है कि नहीं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। हाँ गाइज, इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन का 710 है जो हमें देखने मिला था रियलमी 3 प्रो के अंदर। तो भी गाइज, परफॉर्मेंस तो हमें सेम देखने ही मिल जाएगी, लेकिन देख लेते हैं इसके अंदर शायद से हमें कुछ अलग देखने मिल जाए। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 15 मिनट्स तक खेलने वाला हूँ, तो गाइज इधर मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। गाइज इधर मैं स्टार्ट कर देता हूँ टाइमर, और इधर पबजी मोबाइल को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइज, गेम प्ले शुरू होने से पहले मैं जरा इसके ग्राफिक सेटिंग्स पे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, हम इसे खेलने वाले हैं हाई सेटिंग्स पे, मतलब गाइज हम इसे खेलने वाले हैं HD ग्राफिक्स पे और फ्रेम रेट्स हाई पे। तो गाइज, इसको थोड़ा बहुत अच्छा एडजस्ट करने के लिए मैं इसे सॉफ्ट पे ही खेलना पसंद करता हूँ, और गाइज सॉफ्ट पे मुझे बहुत मज़ा आता है इसे खेलने में। तो गाइज, ये HDR सपोर्ट नहीं करता है, हम इसे स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी खेल सकते हैं, लेकिन गाइज फिलहाल हम इसे HD हाई सेटिंग्स पे खेलते हैं। तो गाइस, लगभग 5 मिनट के आसपास मैं ये गेम खेल रहा हूँ, और मुझे इधर कोई भी मेजर लैग देखने नहीं मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने मिले हैं, लेकिन गाइस कोई भी मेजर लैग इशू इधर मुझे देखने नहीं मिला। हाँ गाइस, मेरा इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो है, तो गाइस थोड़ा बहुत लैग देखने मिल जाएगा इसके अंदर, वो भी इंटरनेट लैग होगा गाइस, नॉर्मल कोई ऐसा गेम लैग तो नहीं है। लेकिन फिलहाल 710 में हमें बहुत अच्छे GPU देखने मिल जाते हैं, तो गाइस हमें कोई इधर लैग देखने नहीं मिला है। अगर इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो गाइस बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस देखने मिली है। इतनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस हमें रियलमी 3 प्रो में भी देखने मिली थी, और रियलमी एक्स में भी हमें सेम प्रोसेसर देखने मिला है, लेकिन परफॉर्मेंस तो दोनों में भी मुझे सेम ही देखने मिली है, ना कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने मिला है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर देखने मिला है, स्नैपड्रैगन का 710 जो GHz है इसका, 2.2 GHz पे ये क्लॉक है। यार गाइज, रियलमी वालों ने सच्ची में बहुत ही कमाल कर दिया है, इस बार हमें AMOLED डिस्प्ले दी है, जो गाइज इसकी स्क्रीन को, मतलब इसके कलर्स को बहुत ही अच्छा तरीके से मेंटेन किया हुआ है। गाइज बहुत ही क्रिप्स हमें इधर कलर्स देखने मिले हैं, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले हमें इधर देखने मिला है। गाइज सच्ची में AMOLED डिस्प्ले का कोई जवाब ही नहीं। और बात करो तो गाइज, इधर हमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने मिल जाती है, कोई नॉच नहीं है। रियलमी 3 प्रो में जो नॉच हमें देखने मिली थी, आधी स्क्रीन उधर चली जाती थी, और गाइज नहीं तो हमें इसे नॉच को हाइड करना पड़ता था। तो गाइज इधर वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है, इधर हमें नो नॉच देखने मिलती है, और बेजल्स भी ना के बराबर ही देखने मिले हैं। लेकिन गाइज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो गाइज आपको थोड़े बहुत लैग देखने मिलेंगे इस गेम प्ले के अंदर। और गाइज इधर ऑलमोस्ट 7 मिनट पूरे हो चुके हैं, और मेरा एक गेम पूरा हो चुका है, और ऑलमोस्ट मुझे इतने लैग देखने नहीं मिले, ना कोई मेजर हीटिंग इश्यू मुझे देखने मिला है 7 मिनट के गेम प्ले के अंदर।
गाइस परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कोई लैग देखने नहीं मिल जाते और गाइस ऑलमोस्ट स्मूथ परफॉर्मेंस हमें देखने मिली है इसके अंदर। हाँ गाइस मेरे गेम प्ले को जज मत करना, मैं इतना अच्छा नहीं खेलता, ज़्यादा पूरा भी नहीं खेलता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इस गेम के बारे में जानता हूँ। हाँ गाइस ये एक ऑलमोस्ट वेयरहाउस के अंदर हम खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह ही पबजी ने अपडेट किया हुआ है, नया वर्जन इसके अंदर भी मुझे बहुत ही पसंद आया खेलने के अंदर। सबसे अच्छी बात है गाइस ये बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है हाथ में गेम प्ले के टाइम पे और बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है एकदम पाम में कि एकदम परफेक्ट हमें ये फ़ोन देखने मिल जाता है। और गाइस बाकी के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट ही हमें देखने मिला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट नीचे का चिन्ह थोड़ा बड़ा है लेकिन गाइस ऑलमोस्ट बेजल्स ना के बराबर हमें देखने मिला है और परफेक्ट फिटिंग हाथ में बैठते हैं। गाइस थोड़ा एक प्रॉब्लम मुझे ज़रूर लगा गाइस, इसका हेडफोन जैक है ना वो ज़रा लेफ्ट साइड में है, तो गाइस अगर आप राइट ही हो मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड खेलना पसंद करते हो तो गाइस उधर आपको थोड़ा टिल्ट करके राइट साइड खेलना पड़ेगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में हमें देखने मिल जाता है हेडफोन जैक, जैसे कि हमें रियलमी 2 प्रो में देखने मिला था राइट साइड में और रियलमी 3 प्रो में हमें लेफ्ट साइड में देखने मिला था और रियलमी एक्स ऑफकोर्स ये सक्सेसर है इसका तो गाइस हमें इसके अंदर भी लेफ्ट साइड में देखने मिला है। तो भाई सर 17 मिनट पूरे हो चुके हैं, अभी 18 मिनट होने को आए हैं तो गाइस वैल्यू मैं इसे पॉज कर देता हूँ। और गाइस ओवरऑल गेम प्ले के बारे में बात करो तो सच्ची में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रियलमी एक्स की तरफ से थी और सच्ची में गाइस ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है गेमिंग के लिए भी और गाइस कैमरा के लिए भी और ऑलमोस्ट हमें इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाती है। तो गाइस मेरे तरफ से तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, तो गाइस परफॉर्मेंस के लिए तो एक बार इस फ़ोन के लिए लाइक बनता ही है। हाँ गाइस हीटिंग इशू के बारे में बात करो तो गाइस मुझे इधर कोई हीटिंग इशू देखने नहीं मिला है, मेजर हीटिंग इशू तो मैं इसे बोल नहीं सकता, थोड़ा बहुत हीट ज़रूर हुआ है ये फ़ोन लेकिन मेजर हीटिंग इशू मुझे इधर देखने नहीं मिला है। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना है और मैं इसी तरह ले आऊंगा कुछ नए वीडियोस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।